प्लेट लगा सकते हो और वो बोल्ट आपको कहाँ से मिलेगा, तो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है बोल्ट का, आप वहाँ से मंगा सकते हो ऑनलाइन। तो देख सकते हो ये है प्लम्बर जो कि हमारे साथ ही साइट पे मिले हैं और इनको इस चीज के बारे में नहीं पता है, तो मैंने इनको बताया, इन्होंने ऑर्डर किया, वो चीज तो आ चुका है और देख सकते हो आज हम इसको लगा कर चेक करेंगे। तो एक ब्लेड लगा हुआ है और ये है वो बोल्ट, इसमें यानी कि अंदर की तरफ भी चूड़ी है और ऊपर की तरफ भी चूड़ी है। तो ये ब्लेड है, एक ब्लेड वैसी रखेंगे फिर उसके ऊपर हम इसको लगाएंगे, यानी कि ये जो दो ब्लेड लगाने का जो बोल्ट है इसको टाइट करेंगे इसके ऊपर, इस तरीके से करेंगे इसको टाइट। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना और वीडियो देखने के बाद ही आप लाइक करना। अगर आपको भी किसी भी तरीके की मशीन खरीदनी है या ऐसा बोल्ट मंगाना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जरूर मंगा लेना। और फिर इसके ऊपर लगेगा दूसरा ब्लेड, ये एक वार्सल होती है ब्लेड के अंदर, आपको पता होगा। तो थोड़ा सा सेट करने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है, वैसे तो मैंने वीडियो की स्पीड बढ़ा दी, आप नहीं करूंगा। तो इस तरीके से इसको टाइट कर देंगे और टाइट करने के बाद देख सकते हो कुछ ऐसा दिख रहा है। ये जो ब्लेड है ये थोड़े से यूज किए हुए ब्लेड है, इनमें थोड़ा बहुत ही है जिससे कटिंग होगी, क्योंकि अभी नया ब्लेड नहीं है, फिर भी हम इसका ट्रायल करेंगे। और देख सकते हो लगने के बाद कुछ ऐसा दिख रहा है, ये दो ब्लेड लग चुके हैं, 4 इंच के ब्लेड हैं। और आप इसको 750 वाट से ऊपर का जो भी ग्लैंडर है आप उसमें इस तरीके से दो ब्लेड लगा सकते हो। ये सिर्फ वही लोग यूज करते हैं जिनके पास एक्सपीरियंस होता है, जिनको ये चलाना नहीं आता है तो प्लीज आप इस ग्लैंडर का यूज ना करें, सिर्फ एक्सपीरियंस बंदों के लिए ही होता है। तो देख सकते हो चलने के बाद कुछ ऐसा दिख रहा है, अभी ग्लैंडर चल रहा है, पूरा फुल स्पीड में चल रहा है। अभी मैं आपको इसकी कटिंग भी दिखाऊंगा, कटिंग किस तरीके से होगी इसकी, इसकी स्पीड वही है, स्पीड पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बट होता है कि इस पे थोड़ा सेफ्टी का ऑप्शन कम होते हैं, इसका एक कवर आता है, कवर भी इन्होंने खोल रखा है, कुछ लोगों को कवर पसंद नहीं है, प्रॉब्लम आता है। तो देख सकते हो ये एक बार में लगा दिया ब्लेड को और इसको आगे करके लेके जाएंगे, यानी कि प्लम्बर लोग जो है प्लम्बरों के काम का भी है ब्लेड है, ब्लेड दो ब्लेड लगाने का, और इलेक्ट्रिशियन के काम का भी है जो इस तरीके के ग्लैंडर यूज करते हैं। तो देख सकते हो हम पहले एक लाइन लेके आते थे, ब्लेड लगाने के बाद दो लाइन लेके आ रहे हैं, आराम से इसको झर्री निकालेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी कि जो हमारा दो बार हम ग्लैंडर को चलाते थे सिर्फ एक बार में ही हम दोनों लाइन लेके आएंगे, यानी कि यहाँ पर हमारा टाइम बचेगा इस तरीके को यूज करने पे। तो ये तरीका वही यूज करेगा जिसको उस तरीके का ग्लैंडर चलाने का एक्सपीरियंस है और जो चलाता है, और वही उस चीज को बाय करेगा। तो मैंने ये वीडियो इसलिए बनाई है क्योंकि काफी सारे लोग ग्लैंडर का यूज करते हैं, तो उनको भी इस चीज का पता होना चाहिए।